Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Yeah.
आनंद के श्रीमद् भागवत महापुराण के समस्त भक्त वृंद के व्यास देव भगवान के सुखदेव भगवान के जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठम दिवस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग सतत 6 दिनों से श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति यज्ञ के रस का रसास्वादन कर रहे हैं। ये ठाकुर जी की विशेष कृपा रूपी प्रसाद जो प्राप्त हो रहे हैं, ये ठाकुर जी की महती कृपा, श्री गुरु गौरांग की महती कृपा से ही हम लोग ऐसे भगवान के नामों का एवं भगवान के लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आज हम लोग षष्ठम दिवस की कथा को श्रवण करेंगे। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे गोवर्धन लीला, कि भगवान ने ब्रज में इंद्र की पूजा का खंडन करके गिरिराज पूजा का आदेश दिया कि हम लोगों को जो ब्रज के ठाकुर हैं, जिनके कृपा के छत्र छाया में हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं और जिनकी कृपा से हम लोगों की गायें चारा खा रही हैं और जिन गिरिराज जी की कृपा से हम लोगों का इस ब्रज में जीवन यापन हो रहा है, हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए और हमें उन्हीं की कृपा को महसूस करना चाहिए। सदैव ब्रज के अधिष्ठाता देव गिरिराज जो कि भगवान के ही स्वरूप हैं, कलयुग में कलयुग के जीवों के लिए गिरिराज की परिक्रमा, गिरिराज जी का दर्शन, गिरिराज जी की सेवा, ये सब हम लोगों को परित्राण कर देती है।
क्योंकि विशेष कलयुग के जीवों के लिए ही गिरिराज जी ब्रज में प्रकट हुए, कि जो कलयुग के जीव हैं वो कलुषित हैं, वो दुख की पीड़ा में, दुख में वो जले जा रहे हैं और वो कलयुग में उन पीड़ाओं से मुक्त होने के लिए यदि गिरिराज जी की परिक्रमा, गिरिराज जी का दर्शन, गिरिराज जी का पूजन यदि उन जीवों को प्राप्त होगा तो कलयुग में उनका उद्धार इसी से होगा। जो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं किया, उन जीवों का परित्राण करने के लिए ब्रज में गिरिराज प्रकट हुए। क्योंकि जब भगवान गोलोक वृंदावन बिहारी लाल जब ब्रजरानी से बोले कि देवी हम लोगों को ब्रज में चल करके मृत्यु लोक में लीला करना है, तो राधा रानी ने कहा कि जहां पे गिरिराज जी न हो, जहां पे वृंदावन धाम न हो, जहां पे यमुना जी न हो, प्रभु वहां हम कुछ भी करने के लिए नहीं जाएंगे, लीला ही नहीं, हम घूमने भी नहीं जाएंगे उस जगह। ठाकुर जी राधा रानी की इच्छा की पूर्ति करने के लिए और कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए ब्रज में इस धरती पर वृंदावन धाम उस ब्रजमंडल के भीतर गिरिराज जी और ब्रजमंडल के भीतर यमुना जी को ठाकुर जी ने अपने हृदय से प्रकट कर दिया, अपने हृदय से प्रकट कर दी। जब गिरिराज जी आ गए, यमुना जी आ गई और वृंदावन धाम आ गया, तो ब्रज रानी बोली कि प्रभु अब चलेंगे। उनकी लीला को देखने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग बहुत वर्षों तक तपस्या की, बहुत वर्षों तक तपस्या की कि आपकी हमें लीला देखना है, आपकी जो मृत्यु लोक में जो आप लीला करेंगे हमें उन लीलाओं का दर्शन करना है। भगवान ने कहा भाई ये तो हम नहीं बता सकते, आप लीला देखने के लिए जाओगे या नहीं जाओगे, आप राधा रानी को संतुष्ट करिए तो ही आप ब्रज की लीला का दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि ब्रज में जाना, ब्रज की धूली में लौटना, ब्रज के कण कण का स्पर्श, ब्रजवासियों का दर्शन, वहां के संत महात्माओं का दर्शन, भगवान की लीला स्थली का दर्शन बगैर राधा रानी के कृपा का बगैर संभव नहीं, बगैर राधा रानी की कृपा के आप नहीं जा सकते। राधा रानी यदि कृपा कर दे तो आप ब्रज धाम में प्रवेश पा सकते हैं, जा सकते हैं, अन्यथा राधा रानी यदि कृपा ना करे तो संभव नहीं। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग राधा रानी की तपस्या किए, उनको संतुष्ट किए, फिर राधा रानी ने उनको आदेश दिया और फिर वो ब्रज में ब्रह्मा विष्णु महेश पर्वत के स्वरूप में विराजमान। आप बरसाने में जाएंगे तो देखेंगे तीन पर्वत वहां पे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश पर्वत के स्वरूप में आके वहां विराजमान हुए और ब्रज की लीलाओं का दर्शन किया करते। तो ऐसे ठाकुर जी जब लीला करने के लिए
इस ब्रज मंडल धाम में आते हैं तो यहां के जो जीव हैं वो किसी भी अवस्था में है, ठाकुर जी उनका उद्धार कर रहे हैं। ठाकुर जी की नजरों के सामने जो जो जीव आया, जो जीव ठाकुर जी के नजरों के सामने आया, जो भी उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त किया, वो सबका उद्धार हुआ, सबका उद्धार हुआ। ठाकुर जी ऐसी अद्भुत अद्भुत ब्रज में लीलाएं किए हैं कि जिन लीलाओं को हम सोच नहीं सकते, हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन यदि राधा रानी की कृपा हो, यदि हम भजन मार्ग से यदि हम आगे बढ़े तो हम उन लीलाओं का दर्शन भी कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। ब्रज में बहुत सारे संत महात्मा ऐसे हैं जो आज भी ब्रज की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, आज भी ब्रज की लीलाओं का दर्शन, क्योंकि सब जीवों का अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग दृष्टि से ब्रज मंडल को देखते हैं। कुछ लोग वृंदावन धाम में जाते हैं, ट्रेन से उतरते ही लंबा वाला दंडवत मारते हैं कि वृंदावन धाम में हम आ गए, ठाकुर जी की कृपा। कुछ लोग ऐसे हैं वहां जाते हैं तो कहते हैं यहां भी सुअर हैं, यहां भी बिल्लियां घूम रही हैं, यहां भी कुत्ते हैं, यहां भी नालियां गंदी हैं, यहां भी बह रही हैं नालियां। कुछ लोग ये देखते हैं, सबका देखने का जो नजरिया है, सबका जो दृष्टि है, वो सबका अलग अलग है। भगवान जब कंस को मारने के लिए रणभूमि में कूदे तो वहां पे ग्वाल बाल और मथुरा की सारी स्त्रियां भी वहां पे विराजमान। जिसने भगवान को जिस दृष्टि से देखा, भगवान ने उसको उसी रूप में दर्शन दिया, उसी रूप में दर्शन दिया। जो अपना बेटा मानता था, बेटे के रूप में देखा, भगवान उसको बेटे के रूप में दर्शन दिया। जो योद्धा के रूप में दर्शन किया, भगवान ने उसको योद्धा के रूप में दर्शन दिया। तो जो जिस रूप का दर्शन चाहा, भगवान ने उसको उसी रूप में दर्शन दिया। क्योंकि भगवान को पाने के लिए हमें अपना एक संबंध जोड़ना होगा, संबंध जोड़ना होगा। जब तक आप उस संबंध के माध्यम से भगवान की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तब तक भगवान को पाना मुश्किल। कुछ भी बना लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन कुछ न कुछ तो मानना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ मानना। इसलिए जिसका जैसा नजरिया होता है वृंदावन धाम में, वो जाता है तो उसको वही चीज दिखाई देता है। कुछ लोग जाते हैं तो वृंदावन में की गलियों में घूम घूम के उनको इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है कि पूछिए मत। उसी में भूल जाते हैं कि ये वही गलियां हैं जहां ठाकुर जी घूमा करते हैं, ये वही साकरी खोर है जहां पे ठाकुर जी दधि लूटा किया करते थे, ये वही बरसाना है जहां लाडली जी विराजमान थी, ये वही नंदगांव है जहां हमारे गोपाल खेला करते थे। तो ऐसा भाव जो है ठाकुर जी के प्रति, ऐसा संबंध जब व्यक्ति का हो जाता है भगवान के साथ, तो भगवान उसी स्वरूप में आके उसके कंधे को ठोकते हैं कि बेटा अब चिंता करने की जरूरत नहीं। भगवान थोड़ा सा टेढ़े जरूर है, उनकी नजर भी थोड़ा टेढ़ी जरूर है, लेकिन निशाना उनका पक्का, निशाना उनका पक्का है। उनका कभी भी जो निशाना है वो इधर उधर नहीं जाता, भले वो तिरछी ही निगाह से देखें, लेकिन देखते जरूर है। इसीलिए तो करुणा के सागर, कृपा सिंधु,
राधा श्याम सुंदर की कृपा जिसके ऊपर हो जाए तो वो तो फिर इस दुनिया के लायक नहीं रहता, इस दुनिया के लायक ही वो नहीं रहता, फिर तो वो किसी काम का भी नहीं रह जाता, वो तो कहां चला जाता है, कूड़ा करकट समझ के लोग, भौतिक जगत के लोग उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, बेकार हो गया। लेकिन वो कूड़ा कहां जाके मिलता है, बड़े वाले कूड़े के ढेर में। जिस संसार को ये भौतिक जगत कूड़ा समझती है, कूड़े का ढेर समझती है, वो कूड़े का ढेर नहीं है, वो कूड़े का ढेर नहीं है। वहां तो बड़े बड़े दिव्यात्मा, बड़े बड़े भगवत प्रेमी, बड़े बड़े रसिक, और बड़े बड़े भगवान के चरणों में लौटने वाले उस कूड़े में निवास करते, जिसको ये दुनिया कूड़ा समझती है। वास्तव में वो कूड़ा नहीं है, वास्तव में वो कूड़ा नहीं है, वास्तव में वो तो भगवान का पिजड़ा है, पिजड़ा। जब बच्चा उस पिजड़े से बाहर हो जाता है तो उसको दुख हो भी सकता है, लेकिन जब तक वो पिजड़े में, उस पिजड़े में है, तब तक उसकी सुरक्षा का दायित्व ठाकुर जी के हाथ। क्योंकि ये ब्रजमंडल, जो ब्रजमंडल 84 कोस का जो क्षेत्र है वो क्या है, वो भगवान का निजी धाम है, वो भगवान का पिंजरा है। और उस पिंजरे में हम प्रवेश तभी करेंगे जब राधा रानी उस पिंजरे का गेट खोल देंगी तब। और एक बार जो उस पिंजरे में घुस गया तो वो तो उड़ना भी भूल जाता है, उड़ना भूल जाएगा, उड़ना भूल जाएगा। इसलिए ये संसार के लोग भक्तों को, वैष्णवों को, संत महात्माओं को कूड़ा समझ के अपने से अलग कर देते हैं, कूड़ा समझ के अलग कर देते हैं। उनके लिए इनका कोई महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं। लेकिन आजकल तो कूड़ा भी बीनने वाले निकलते हैं, कूड़ा बीनने वाले निकलते हैं। हमारे आपके जो काम की चीज नहीं होती वो हम लोग डस्टबिन में डालकर और कूड़ेदान में फेंक देते हैं, लेकिन उस कूड़े में से भी अच्छी चीजों को निकालने वाला व्यक्ति इस संसार में है। उस कूड़े में से अच्छी चीजों को निकालने वाला वो व्यक्ति है, और उसी से व्यक्ति जीवन यापन भी कर रहा है। वही है दृष्टि अपना। जो व्यक्ति कूड़े में से भी अच्छी चीज को निकाल लेता है वही तो महात्मा होता है, वही तो महात्मा होता है। जो कूड़े में से भी अच्छी चीज को पहचान के निकाल लेता है और उसको सही चीज बनाने का प्रयास करता है, उसको स्वरूप देने का कार्य करता है, उसको दिशा देने का काम करता है, वही तो साधु है, वही तो महात्मा है। इसलिए जो समझने की क्षमता होती है वो बुरी चीज को अच्छी चीज में बदलने की क्षमता केवल संत महात्माओं के अंदर ही होती है।
जो जानते हैं कि इससे कुछ हो सकता है, ये जीव जो है वो भगवान का ही स्वरूप है, ये भगवान का ही स्वरूप है, यदि ये किसी कारणवश यदि ये इस जगह पे आ गया, क्योंकि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि हम लोग भी कभी कभी कूड़े में चले जाते हैं, जाते हैं ना कभी कभी, कब, जब कान की बाली खो जाए, जब नथिया खो जाए, जब हमारा कीमती सामान रिंग खो जाए, तो जहां कूड़ा फेंके रहते हैं उसी कूड़े में जाके मुंह मारते हैं, उसी कूड़े में जाके मुंह मारते हैं, उसको पलट पलट के देखते हैं, भाई कहीं यहां तो नहीं आ गया। जब किसी चीज की महिमा का हमें पता चलता है, महिमा का पता चलता है, तो उसी कूड़े में से हम खोजते हैं अच्छी चीजों को, कीमती चीजों को उसी कूड़े में से निकालते हैं। इसलिए वो जो समझने की क्षमता होती है वो ठाकुर जी किसी किसी के अंदर देते हैं, किसी किसी के अंदर देते हैं। वही तो महात्मा है जो इतने बड़े संसार के भीतर से कुछ कुछ लोगों को चुन करके उठा ले जाते हैं, कुछ कुछ लोगों को चुन लेते हैं ठाकुर जी की कृपा से, और उनको नया स्वरूप देने का कार्य करते हैं, नया स्वरूप देने का कार्य। इसलिए वो वृंदावन धाम को जो लोग कूड़ा की दृष्टि से देखते हैं कि यहां भी गंदगी है, यहां भी सुअर टहल रहे हैं, यहां भी भेड़ बकरियां हैं, तो मान लीजिए वास्तव में वो व्यक्ति ही कूड़ा है, वो व्यक्ति ही कूड़ा है, वो गलती से, जैसे देखे ना हम झाड़ू लगाते हैं तो कूड़ा कभी कभी पंखा से उड़ के गिर जाता है, साफ जगह पे गिर जाता है, तो रियलिटी यही है कि वो कूड़ा आज उड़ करके धाम में चला गया। जिसको ऐसे कूड़ा करकट दिखाई दे रहा है, जिसको ऐसी गंदगी दिखाई दे रही है, जो संत महात्मा है, जो वैष्णव जन है, वो वृंदावन धाम की धूल को रोज फांकते हैं, वहां की धूल को फांकते हैं, वहां की धूल के अपने माथे में, अपने सर पर रोज स्नान करते हैं, सर पर देकर। इसलिए वो वृंदावन धाम है, ये संसार जिसको कूड़ा कहती है वो वास्तव में कूड़ा नहीं है, वो वास्तव में गंदी जगह नहीं है, वो वास्तव में वहां सुअर नहीं टहल रहे हैं, वहां तो जो भजनानंदी किसी अपराधवश जो पतन हो गया जिनका, वो ब्रज में घूम रहे हैं, वहां पे ऐसे वैसों की तो चलती ही नहीं है, ऐसे वैसों की नहीं चलती, वहां कोई जगह ही नहीं। इसलिए वृंदावन धाम में हमें जाना चाहिए तो अपना अंतःकरण एकदम पवित्र करके जाना चाहिए, और यही भाव लेकर जाना चाहिए कि हम वृंदावन में जा रहे हैं, भगवान के चरणों की स्पर्श की हुई रज है, भगवान जहां पे अपनी लीला किए वो लीला स्थलियां हैं, भगवान के विग्रह हैं, भगवान के भक्त जन हैं, संत महात्मा वहां पे हैं, श्रद्धा से जो लोग दर्शन करते हैं वो फिर दोबारा, उनको ये जगत तो अच्छा नहीं लगता, वो आए दिन भागते ही रहते हैं कि भाई मौका मिले तो हम भागे। एक पागल खाना था आगरा में है पागल खाना, तो उस पागल खाने में कौन सब बंद थे, सारे पागल भरे पड़े थे, और सारे पागल खाने जहां बने हुए थे, जिसमें सब पागल भरे हुए थे, सुबह रोज डॉक्टर आते थे उनको चेक करने के लिए, दवा लेने के लिए, कुछ अपना करने के लिए आते, तो जब डॉक्टर अपना कोट पहन के और अपना आला लटका के जब अंदर घुसता था तो सारे पागल ये कहते थे, देखो देखो
वो यही बोलते थे कि देखो देखो पागल आ रहा है। तो इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को पागल बोलता है, एक दूसरे को पागल बोलता है, लेकिन वास्तव में है कौन पागल? जो कह रहा है कि ये पागल है वही पागल है। इसलिए इस संसार में कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन वो वृंदावन धाम जहां पे ठाकुर जी अपनी लीला को करने के लिए आए, अपनी लीलाओं को किया, जहां श्रीमती राधा रानी आज भी विराजती हैं, आज भी संत महात्मा जिनका दर्शन करते हैं, ऐसे वृंदावन धाम में यदि कभी जाने का अवसर प्राप्त हो, जाने की यदि कभी सु अवसर प्राप्त हो, तो व्यक्ति को जरूर जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। उसी ब्रज में हमारे ठाकुर जी इस कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए गिरिराज के स्वरूप में ब्रज में प्रकट हुए, और गिरिराज जी कलयुग के कलुषित प्राणियों को दर्शन देकर उनका उद्धार करते हैं, दर्शन देकर के उनका उद्धार करते हैं। तो उन्हीं गिरिराज जी की पूजा सारे ब्रजवासी किए, सारे ब्रजवासी उन्हीं की पूजा किए, और खूब 56 भोग लगा, और 56 भोग लगने के बाद सारे ब्रजवासी गिरिराज जी की परिक्रमा किए, और गिरिराज जी की परिक्रमा उसी दिन से स्टार्ट हुई। पहली परिक्रमा ब्रजवासी की, पहली परिक्रमा ब्रजवासी की, उसके बाद ये परंपरा हम लोगों के बीच में आई कि गिरिराज जी की 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। अपने जीवन में जब तक चलने का सामर्थ्य है, जब तक पुरुषार्थ है, जब तक हम व्हील चेयर पे ना बैठ जाएं, तब तक 2-4-10 बार हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। उसके बाद तो ना तो करने की आपकी इच्छा होगी, और ना तो करने का पता नहीं सौभाग्य मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक सामर्थ्य है, तब तक एक बार, दो बार, चार बार, छह बार, आठ बार, 10 बार, जितनी भी पॉसिबिलिटी बने, गिरिराज जी में जाना चाहिए, और गिरिराज जी की परिक्रमा जरूर करना चाहिए। बहुत लोग गिरिराज जी की दंडवती कर रहे हैं, कुछ लोग रोज परिक्रमा दे रहे हैं, कुछ लोग 3 परिक्रमा रोज दे रहे हैं, और कुछ लोग तो 1008 बार एक ही जगह दंडवती परिक्रमा दे करके फिर आगे बढ़ते हैं। एक महात्मा जी एक जगह गिरिराज जी में परिक्रमा कर रहे थे, और उनसे बाहर के लोग जाते हैं तो कभी कभी देख के उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि आप एक ही जगह क्यों लेट रहे हैं। तो पहले तो वो महात्मा कुछ बोले नहीं, और जब वो बैठ गए वहीं कि महाराज बताओ बताओ ये सब क्या तुम कर रहे हो, बोले बेटा मैं दंडवती परिक्रमा दे रहा हूं। बोले महाराज इतना बार एक ही बार देना चाहिए, अरे एक बार दीजिए फिर आगे बढ़िए, आप 108 बार का संकल्प ले लिए कि एक बार एक ही जगह पे करेंगे 108 बार, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। संत महात्मा ने बोला कि हमारा जीवन अब बहुत कम बचा है, लगभग मैं 40 साल का हो गया हूं, और जो मैं परिक्रमा शुरू किया हूं एक स्थान पे 1008 बार, अगर ऐसे मैं परिक्रमा करूंगा तो कब लगभग 20 साल लग जाएंगे हमको करने, और इतना पता नहीं मैं जीऊंगा कि नहीं। तो जो भी मेरे जीवन का अंतिम क्षण है, ये मेरा उद्देश्य नहीं कि मैं गिरिराज जी की परिक्रमा को पूरा करूंगा, ये उद्देश्य नहीं है कि मैं पूरा करूं, लेकिन एक उद्देश्य मेरा जरूर है कि मेरा बचा हुआ जीवन गिरिराज जी की तलहटी में बीत जाए, गिरिराज जी के चरणों में बीत जाए, और हमें कुछ नहीं। और वो संत महात्माओं से कहा करते थे यदि गिरिराज जी की तलहटी में हमारा शरीर छूट जाए, गिरिराज जी के चरणों में यदि हमारा शरीर छूट जाए, तो इस शरीर को भी गिरिराज जी के चरणों से दूर मत जाने दे। पैर में रस्सी बांधकर गिरिराज जी के चारों तरफ घसीटना, और घसीटते घसीटते ये हड्डियां ये चमड़े सब घिस घिस कर इस मिट्टी में मिल जाए, इस मिट्टी से भी ये शरीर बाहर आ जाए।
तो कुछ लोगों का ऐसा भाव है कि हम गिरिराज जी की तलाटी में ही रहें, गिरिराज जी का नित्य दर्शन करें, राधा श्याम सुंदर का नित्य दर्शन करें। वो गिरिराज जी बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े ऑफिसर वृंदावन में आते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं। बहुत लोग आए जो गए नहीं वृंदावन छोड़कर, आए तो फिर वृंदावन ही रह गए। ऐसे ऐसे भी संत महात्मा वैष्णव जन जहां पे विराजते हैं, जिनके चरणों में रहते हैं, वो गिरिराज की परिक्रमा ब्रजवासी की। और जब ब्रजवासी गिरिराज जी की परिक्रमा करके जब अपने अपने घर पहुंचे, तो फिर नारद जी इस बात को पहुंचा दिए इंद्र के पास, इंद्र के पास पहुंचा दिया। इंद्र से जाकर नारद जी बोले, महाराज आपको पता है, देवेंद्र आपको पता है कि आजकल ब्रजवासी आपकी पूजा छोड़कर वो गिरिराज जी की पूजा करने लगे हैं। इतना सुन करके इंद्र को बड़ा क्रोध आया, इंद्र को इतना क्रोध आया कि वो तिलमिला करके जितने भी भयंकर बड़े बड़े सावर्तक बादल थे जो इतना मोट मोटे धार में बारिश करते थे, वो सारे सावर्तक बादलों को बुलाए और बुलाकर और आदेश दिए कि तुम लोग अभी इसी वक्त जाओ और पूरे ब्रज 84 कोस को डुबा दो। इंद्र ने आदेश दिया और सारे सावर्तक बादल टूट पड़े ब्रजधाम मंडल पर और बड़ी मोटी मोटी धार में बारिश करने लगे। सारे ब्रजवासी इधर बितर होने लगे, सबके पशु इधर उधर भागने लगे। इतना आधी तूफान, इतना बारिश कि लोग जाए कहां। लेकिन वही तो ब्रजवासी है कि जो 7 साल के बच्चे के चरणों में आत्मसमर्पण कर दे, वो ब्रजवासी ये कभी नहीं सोचे ये छोटा सा बच्चा हमारी क्या सुरक्षा करेगा। कभी ऐसा भाव ब्रजवासियों के अंदर आया ही नहीं। जैसे जो भक्त ठाकुर जी की सेवा करते हैं, गोपाल जी की सेवा करते हैं, वो क्या ऐसा मानते हैं क्या कि ये मूर्ति है? ऐसा मानते हैं? ऐसा नहीं मानते। देखने के लिए वो इतने छोटे से हैं, मूर्ति मान के वो सेवा नहीं करते। वो तो साक्षात ठाकुर जी को मानकर ही सेवा करते हैं। इसलिए जो ब्रजवासी थे, जो भगवत प्रेमी है, वो कभी भगवान के स्वरूप को मूर्ति या पत्थर नहीं मानते, वो तो भगवान का स्वरूप ही मानते हैं, भगवान का स्वरूप मानते हैं। और वो ब्रजवासी सब 7 साल के छोटे कृष्ण के चरणों में जाके आत्मसमर्पण करते, प्रभु आप हमारी सुरक्षा करिए, आपके सिवा हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। सब भाग करके गए और नंद भवन में जहां पे कृष्ण विराज रहे थे, वहां जाकर के नंदलाला के चरणों में आत्मसमर्पण किए कि प्रभु आपके सिवा तो कोई हमारी रक्षा करने वाला नहीं है, अब आप ही हमें बचाइए। भगवान आंख बंद करके देखे तो इंद्र की ये कूटनीति भगवान को समझ में आ गई। भगवान ने कहा चिंता करने की बात नहीं है, हम लोग जिसको खिलाए हैं उसी के पास तो जाएंगे। अच्छा अच्छा पकवान तो गिरिराज जी को भोग लगाया तो चलो उनके पास। भगवान सारे ब्रजवासियों को लेकर बोले अपना सामान सब ला दो और चलो गिरिराज जी की तलाटी में। सारे ब्रजवासियों को लेके गिरिराज जी की तलहटी में भगवान पहुंचे और गिरिराज जी की तलहटी में जाकर के गिरिराज जी को प्रणाम करके और भगवान तलहटी में हाथ लगा के और गिरिराज जी को एक हाथ की एक अंगुली पर धारण कर लिया, एक हाथ पर धारण कर लिया और सारे ब्रजवासियों को बुलाकर उस तलहटी में इकट्ठा कर लिए, उस पर्वत के नीचे इकट्ठा कर लिए और इंद्र के जो सावर्तक बादल थे खूब पेट भर कर बारिश की।
बारिश करते रहे। चार दिन बीत गया, बारिश बंद नहीं हुई। कन्हैया अकेला बेचारा, 7 साल का बच्चा एक अंगुली पे पूरे गिरिराज जी को धारण करके खड़ा है। कभी कभी हम लोग जब बोलते हैं, जब हाथ उठाकर महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आंख बंद करके करते हैं, तो कभी कुछ लोग आंख खोल के देखते हैं धीरे धीरे कि भाई बहुत देर हो गया, हाथ नीचे नहीं करवा रहे हैं। तो ऐसा होता है कि आंख खोलकर देखते हैं कि नीचे किए हो कि नहीं, हम लोग भी करें। हम लोग 5 मिनट भी हाथ ऐसे खाली हाथ नहीं कर सकते। खाली हाथ 5 मिनट एक ठो आप ऊपर नहीं रख सकते, बोलेगा भाई नीचे करो। लेकिन हमारे कन्हैया इसी को तो भगवान कहते हैं, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से शस्त्रिय ज्ञान वैराग्य युष्य शरणम भग इति अंगरम। बोले ये 6 ऐश्वर्य जो पूर्ण मात्रा में भरपूर मात्रा में जिसके अंदर है वही भगवान है। वीर्य से जिसके अंदर पूरा बल है वो कभी थकता नहीं, कभी पसीना नहीं आता। भगवान को पसीना आने का मतलब ही संसार का प्रलय, ये संसार का बिना। इसलिए भगवान को कभी ये सब चीजें, क्रोध पसीना थकान, ये सब चीजें कभी महसूस नहीं होती, कभी चेहरे पे स्टिकर नहीं है। ठाकुर जी 5 दिन तक गिरिराज को धारण करके रखे, तो सारे ब्रजवासी सोचे कि भाई कन्हैया 7-4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया और अकेले खड़ा है, भाई थोड़ा हम लोगों को मदद करना चाहिए, इसको थोड़ा खाली करें, थोड़ा इसको खाने पीने का अवसर दें। तो सारे नंद सुनंद जितने ग्वाल बाल थे सब लोग लठ लेके वहां पे खड़े थे। बोले कन्हैया छोड़ो, थोड़ा हम लोग संभाले हैं, तुम थोड़ा बैठ के आराम करो। कन्हैया तो जानते भैया इन लोगों के बस की बात नहीं है, अभी छोड़ेंगे तो सब मरी जाएंगे ही जब दब के। भगवान जान करके, क्योंकि जो भगवान के अपने होते हैं ना, जब अपनों को जब अभिमान आ जाता है, भगवान उस अभिमान को अहंकार को तोड़ भी देते हैं। क्योंकि ये जो अभिमान है भक्तों को कहीं ना कहीं वो भगवान से दूर कर देता है। जो अभिमान होता है वो सदैव भगवान से दूर भगाता है। इसलिए यदि भक्त के अंदर अभिमान आ जाए तो भगवान उसको तोड़ करके, उसको ठोक बजा कर उसको सही करते हैं कि ये सब चीजें बुराइयां उसके अंदर ना आ जाए। भगवान थोड़ा सा अपना हाथ ढीला बस किए, छोड़े नहीं, थोड़ा सा ढीला किए और पड़पड़ा के उनकी जो बांस थी सब बैठने की, सब चिल्ला मारे, अरे बचाओ बचाओ नहीं मर जाएंगे भाई। बोले मैं तो भाई तुमसे कहा था कि तुम लोग नहीं संभाल पाओगे। इतना लीला देखने के बाद भी ब्रजवासियों को ये महसूस नहीं हुआ कि ये भगवान, भगवान ऐसी लीला की, ऐसी लीला की कि किसी को महसूस नहीं हुआ। सात दिन तक गिरिराज धरण को धारण करके रहे गिरधारी, और 7वें दिन इंद्र सोचा आप चल के देखें, सारे ब्रजवासी तो डूब डूब के मर उर गए होंगे, उनका तो पता नहीं होगा, चलें थोड़ा जनाजा देखें, नजारा देखें, क्योंकि तमाशा देखना सबको पसंद है। तो वैसे इंद्र आया तमाशा देखने के लिए, लेकिन भक्तों का तमाशा तो पहले ही बन चुका है, अब तुम क्या बनाओगे? जो पहले ही लूट चुका है उसको तुम क्या लूटोगे? उसको अपने ही लूट सकते। तो वो तो पहले से ही ठाकुर जी के चरणों में लूट चुके हैं, उनको क्या लूटोगे, उनका क्या तमाशा बनाओगे? और जब इंद्र देखने के लिए एरावत हाथी पर सवार होके आए तो देखे ब्रज में क्या हो रहा था, धूल उड़ रही, ब्रज में धूल उड़ रही थी। देख के इंद्र तो पागल हो गया, उसका पूरा लैपटॉप हैंग हो गया, वहीं पे बंद हो गया। वो कहा भाई ये सब क्या हो गया, बताओ इस संसार को तबाह करने वाले बादलों को हमने भेजा था, यहां धूल उड़ रही है और सारे ब्रजवासी आनंद से बांसुरी की धुन सुन रहे हैं। आया समझ गया कि ये साधारण बच्चा नहीं, आके ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। बोले प्रभु हमें माफ करो, हमारी रक्षा करो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान बोले इंद्र तुम बहुत अच्छा किए,
लेकिन दूसरों के साथ अगर करते तो एक बार ठीक भी था, लेकिन तो हमारे जो प्रिय हैं, जो हमारे हृदय हैं, जो हमारे दिल के टुकड़े हैं, तुम उनको बर्बाद करने के लिए चले थे। भगवान ने इंद्र को खूब डांटा। इंद्र हाथ जोड़ के खड़ा रहा, हाथ जोड़ के खड़ा रहा। उसके बाद भगवान की 10 श्लोकों में इंद्र ने बहुत सुंदर स्तुति की, क्योंकि भगवान को दो चीजें बहुत पसंद है, जानते हैं क्या चीज़? एक चंदन और दूसरा बंदन। ये दो चीजें भगवान को बहुत पसंद है। और इंद्र ने क्या किया, चंदन तो लगाया ही था और साथ में बंदन भी कर दिया, वंदना भी ठाकुर जी का कर दिया। भगवान उनकी स्तुति सुन के प्रसन्न हुए और भगवान इंद्र को बोले, देवेंद्र तुम्हारे अंदर मान प्रतिष्ठा जो गद्दी तुम्हें मिली, धन संपत्ति मिली, उसका तुम्हें अहंकार हो गया और तुम खुद को ही भगवान मानने लगे, इसलिए तुम तो हमारे भक्त हो, तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए, तुम्हारा अहंकार तोड़ने के लिए यह करना हमारे लिए अति आवश्यक, अति आवश्यक। इसलिए कभी कभी देखा जाता है, प्रायः देखा जाता है कि भक्तों के जीवन में बहुत चढ़ाव उतार आते हैं, बहुत चढ़ाव उतार आते हैं। तो कभी कभी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं माला जप करने लगे, कहीं वही तो दिक्कत नहीं कर रहा है, कहीं भगवान के शरण में आ गए इसलिए तो ऐसा दुख नहीं मिल रहा है। कभी कभी हमारे अंदर गलत फहमियां हो जाती हैं कि हम ऐसा करने लगे इसलिए हमारे साथ हुआ। ये वास्तव में रियलिटी है, ये सच्चाई है। कि व्यक्ति जब भजन मार्ग में आता है ना, तो उसको कुछ ज्यादा ही दुख मिलता है, शुरू कुछ ज्यादा ही दुख मिलता है। और ऐसे ही इंसान भटक जाता है, पहले तो वो संसार से दुखी बेचारा, और जब भगवान के शरण में गया तो वहां भी दुख मिला उसको, और वहां और ज्यादा ही मिला उसको। तो वो सोचता है भाई यहां से तो अच्छा हम वहीं थे, वहां जाकर भी लोग वापस चले आते हैं, लेकिन जब भजन मार्ग में हम जाते हैं, जब वहां जाके हमें दुख मिलता है, तो भगवान कहते हैं भाई कि तुम्हारी पवित्रता कैसे होगी, क्योंकि जो तुम पाप करके आए हो, जो गलत कार्य करके आए हो, उनकी सजा तो तुमको भोगना ही भोगना है। वो तो हमारे अंदर भी क्षमता नहीं है कि हम काट दें, लेकिन हाँ तुम्हारा थोड़ा जल्दी जल्दी उसका जो प्रोसेसिंग है ना, थोड़ा वो थोड़ा फास्ट कर देंगे और तुम्हारा जल्दी जल्दी कट जाएगा, और उसके बाद तो फिर तुम्हें आनंद ही आनंद। क्यों? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि जब व्यक्ति भजन मार्ग में आता है तो उसको ज्यादा दुख मिलता है, क्योंकि उसको आगे चल के सुख मिलना है। क्यों? क्योंकि आप प्रायः देखेंगे कि जो बचपन से ही भजन कर रहा है, वो जब अपनी वृद्धावस्था को प्राप्त करता है तो उसका मन भजन में ज्यादा, उसका मन भगवान के भजन में ज्यादा लगने के कारण उसके अंदर आनंद की अनुभूति भी ज्यादा होती है, ज्यादा होती है उसके अंदर आनंद की अनुभूति। इसीलिए जो उसके पाप थे वो पहले कट चुके हैं, अब तो केवल उसको अच्छा अच्छा ही खाने के लिए बचा। इसलिए कभी भी हमें इन दुखों से घबराना नहीं चाहिए। भगवान की शरण में जाने से के लिए जब हम जप करना प्रारंभ करें, भगवान की सेवा स्वीकार कर लें कि अब हमें भगवान की सेवा करना है, तो यदि कोई दुख आए, कोई दुख हमारे ऊपर आए, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। दुख का ही नाम जीवन है। यदि इस संसार में दुख नहीं रहा तो भगवान से प्रेम कौन करेगा, फिर भगवान की शरण में जाएगा कौन, भगवान को मानेगा कौन? और भगवान जब प्रेम करेंगे तो उस प्रेम की अनुभूति कैसे आपको होगी, क्योंकि प्रेम की अनुभूति भी तभी होती है जब हम दुख का सामना किए रहते हैं। तब
जो बच्चा कभी जीवन में एसी और फोर व्हीलर देखा ही नहीं, जो जंगलों में वास कर रहा है, जो लाइट को कभी देखा नहीं, लाइट की चकाचौंध को देखा नहीं, वो क्या जानेगा कि उसका क्या सुख होता है? वो तो वैसी अंधेरे में ही मस्त रहता है, अंधेरे में ही मस्त रहता है कि वही हमारे लिए अच्छा है। लेकिन जब वो व्यक्ति इस चकाचौंध में आता है, तब उसको लगता है नहीं यार, वो तो बहुत खराब जगह है, यहाँ तो बहुत लाइट बत्ती है, यहाँ तो एसी कूलर पंखा, ये तो बड़ी व्यवस्था है, यहाँ तो टीवी भी है, सारी व्यवस्था यहाँ पे। और जो व्यक्ति इसी में जन्म लिया, वो उस दुनिया को क्या जाने, उस दुनिया को भी वो कुछ नहीं जानेगा, उस दुनिया को भी वो नहीं जान पाए कि दुख क्या होता है, अंधेरा क्या होता है, कि जंगल में रहना क्या होता है, वो नहीं समझ पाएगा, वो नहीं जान पाएगा। इसलिए जो भक्त होता है उसके जीवन में खूब दुख आता है, बहुत कष्ट आता है, तभी तो जब भगवान प्रेम का जो रस है जब उसके जिह्वा पे टपकाते हैं धीरे धीरे करके, तो उसको पता चलता है कि भगवान हमें प्रेम कर रहे हैं, भगवान हमें प्रेम दे रहे हैं, भगवान हमें आनंद दे रहे हैं, तब उसको उस आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमें दुख दे रहे हैं, या भगवान हमें दुख में डाल दिए, या हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ वैसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, इसके जिम्मेदार हम लोग नहीं हैं, इसके जिम्मेदार हम लोग है ही नहीं, नहीं। क्योंकि हम लोग दुख काटने के लिए, दुख भोगने के लिए इतना जरूर जानना चाहिए कि जरूर हमसे कोई अपराध हुआ था, जरूर हमसे कोई पाप हुआ था, जो आज हम इस कंडीशन में, आज हमें दुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, उसके पीछे जरूर कुछ न कुछ कारण है, क्योंकि भगवान का किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। इसलिए ये सोच कर ठाकुर जी के चरणों में आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, ठाकुर जी ठीक है कोई बात नहीं, जय विधि राखे राम तय विधि रही, और सीताराम 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 रही। सदैव भगवान के नामों को जप करते रहिए, वो चाहे सुख दे रहा है तो भी स्वीकार, दुख दे रहा है तो भी स्वीकार। अगर दोनों परिस्थिति को आप स्वीकार करते हैं तो जान लीजिए आपके लिए दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और अगर सुख और दुख दोनों को स्वीकार नहीं करेंगे, केवल एक को स्वीकार करने की इच्छा करेंगे, नहीं केवल हमें सुख ही चाहिए, तो ये जान लीजिए कि आप अनुभव कर लीजिएगा कि आपको 2% को सुख मिलेगा, 98% दुख मिलेगा, 98%। इसलिए इंद्र तुम हमारे भक्त हो, तुम अपने आदमी हो, तुम हमारे चेला हो भाई, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया था, तुम्हारे अंदर कूड़ा करकट भर जा रहा था, इसीलिए उसको साफ करना बहुत जरूरी था। इसलिए तुम्हारे अहंकार को तोड़कर अब मैंने तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया है, तुम्हारे ऊपर कृपा किया है, और जाओ अब तुम अपनी अमरावती में जहां तुम राज्य करते हो, और अपनी अमरावती का खूब आनंद से उसका देखभाल करो, लेकिन अपने नियम को ध्यान रखो कि तुम्हारा दायरा क्या है। उसके बाद कामधेनु गाय आई, भगवान का अभिषेक की और भगवान का एक नाम पड़ा वहीं पे बोली। उसके बाद भगवान शरद पूर्णिमा शरद ऋतु में गोपियों के साथ भगवान ने महाराज, वो गोपियां हैं जो गोपियों की मनोकामना की पूर्ति करने के लिए भगवान द्वापर में कृष्ण स्वरूप लेकर के आए, क्योंकि कृष्ण का अर्थ ही है खींचना। क्री मतलब होता है उत्पन्न करना, पैदा करना। तो जो भगवान है वो आनंद को पैदा करते हैं व्यक्ति के अंदर,
आनंद को पैदा करते हैं। और वो कृष्ण कई जन्मों से जो तपस्या कर रहे थे संत महात्मा ऋषि, उनकी कामना की पूर्ति के लिए भगवान कृष्ण बनकर द्वापर में आए। और वो जो दंडकारण्य वन में जो संत महात्मा ऋषि जो तपस्या कर रहे थे, वो सब लोग ब्रज में गोपी बनकर आए। वो गोपियां थी जो बांसुरी की धुन सुन करके भगवान गाय चराने जाते थे और टेर कदम के पेड़ों में अपने पोटली को खाने की लटका देते थे और जाते थे गाय चराने के लिए। और गाय चरा के जब दोपहर में वापस आते थे तो रोटी को खाने के लिए जब बैठते थे तो देखते थे कि भाई इसमें मक्खन की थोड़ी सी कमी लग रही है। भगवान केवल एक बार बांसुरी को बजाते थे, केवल एक बार बजाते थे। 84 कोस में जितनी गोपियां निवास करती थी रहती थी, सारी गोपी को अपना अपना नाम कान में सुनाई देता, अपना नाम कान में सुनाई देता था कि कृष्ण हमको बुला रहे हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण सबको नाम लेकर बुला रहे थे, कृष्ण केवल एक बार बांसुरी बजाते थे और प्रत्येक गोपी के कानों में ही ये आवाज जाती थी कि ठाकुर जी हमें बुला रहे हैं, दूसरे किसी के नहीं। जो गोपी थी केवल उसी के कान में ये बात जाती थी। गोपी, ऐसा नहीं कि गोपी केवल उतनी ही थी, गोपियां अनलिमिटेड है। गोपियों की संख्या कुछ आंकड़ा लगा के बताया नहीं गया कि कितनी गोपियां, अंदाज में लोग बोलते हैं कि इतनी गोपियां। गोपियां अनलिमिटेड है। गोपी वही है, वो ये नहीं कि जो स्त्री है केवल वही गोपी है, स्त्री भी गोपी नहीं है, जो पुरुष है वो भी गोपी है। गोपी यानी जो प्रत्येक इंद्रियों से केवल कृष्ण के रस का पान कर रहा है वही गोपी है, जो आंखों से केवल कृष्ण का दर्शन, हाथों से केवल कृष्ण की सेवा, पैरों से केवल कृष्ण के धाम का परिक्रमा, दर्शन, प्रदक्षिणा, मुख से केवल कृष्ण प्रसाद, कानों से केवल नाम संकीर्तन, हाथों से केवल भगवान के मंदिर का मार्जन, जिसकी प्रत्येक इंद्रिया कृष्ण के रस का पान कर रही वही गोपी है। इसलिए यदि कोई पुरुष भी है, यदि वो गोपी बनकर ठाकुर जी की सेवा कर रहा है तो वो भी गोपी ही कहलाएगा, गोपी ही कहलाएगा। इसलिए गोपियां केवल स्त्रियां नहीं, जो भी गोपी भेद वा जो भी गोपी भाव में आया प्रत्येक गोपी ठाकुर जी की सेवा। वैसे ही जब भगवान ने महाराज किया तो सारी गोपियां अपने अपने कार्यों में लगी थी, सारी गोपियां अपने अपने कार्यों में लगी थी। कोई गोपी रोटी बना रही थी, कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, कोई अपने पति की सेवा कर रही थी, कोई घर का काम कर रही थी, कोई कुछ कर रही थी, कोई कुछ कर रही थी। जिस कंडीशन में कान में आवाज गई, ये नहीं अभी आते हैं चलो, ऐसा कोई भाव नहीं। बच्चे को दूध पिला रही है, बच्चे को नीचे पटक के भागी, ये गोपी। इस भाव को स्वीकार करना बहुत कठिन है भाई। पहले बेटे को देखो, वहां जाना बाद में। वो भाव गोपी का नहीं था। गोपी तो कान में आवाज आते ही कि कृष्ण ने हमको बुलाया, इतना सुनने मात्र से वो जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में भागे। यहां तक कि ऐसे ऐसे उल्लेख आते हैं कि कोई गोपी काजल लगा रही थी तो वो भूल गई कि आंख में लगाना चाहिए कि गाल में लगाना चाहिए, वो पूरा मुंह में ही लपेट के भागी। पैर के घुंघरू हाथ में पहन के भागी। ऐसे ऐसे गोपियां जो रोटी बना रही थी वो तवे पर ही रोटी छोड़ के भाग गई। कृष्ण
कि बांसुरी की आवाज सुनकर कोई गोपी अपने कंडीशन में नहीं रहती थी कि अभी मैं करके जाऊंगी, तुरंत तक्षणा वहां से भागी एक गोपी, वो तो उसके पति ने दरवाजा बंद कर दिया बाहर, कहां जा रही है, कहीं नहीं जाना है। उस गोपी के मन में बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि आज हम कृष्ण के पास नहीं जा पाएंगे, कृष्ण हमें बुला रहे हैं। प्रेम की अग्नि में जलकर वो वहीं शरीर छोड़कर और उसकी गोपी की आत्मा भगवान कृष्ण के पास जा रही है। ये थी गोपी। गोपी बनना आसान नहीं, लोग कह देते हैं अरे गोपियां थी, गोपियों का भाव, इसीलिए तो भगवान कहते हैं इस संसार में यदि मैं किसी का ऋणी हूं तो वो केवल मैं गोपियों का ऋणी हूं, अगर किसी का ऋण मेरे ऊपर है तो वो गोपियां, गोपियों का अलावा किसी का मेरे ऊपर कोई ऋण नहीं है, क्योंकि इस संसार में वैसे भी मां जिस भाव से बेटे की सेवा कर देती है, जो प्रेम बेटे के साथ मां कर लेती है, उस भाव से क्या बेटा कभी सेवा कर पाता है क्या मां की, कभी नहीं कर पाता। इसीलिए तो कहा जाता है मातृ ऋण, भ्रातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, देव ऋण, इन सबसे आप मुक्त नहीं हो सकते कभी जीवन में, कभी जीवन में ये पांच ऋण आपके ऊपर सदैव रहेंगे, नहीं रह सकते आप। इन पांच ऋणों से हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम भगवान की शरण में जाएंगे, तब यदि हम भगवान का भजन करें, भगवान की सेवा करें, तो इन पांच ऋणों से मुक्त होया जा सकता है, होया जा सकता है, अन्यथा इन पांच ऋणों से मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं तो केवल गोपियों का ऋणी हूं, गोपियों का ही ऋण हमारे ऊपर है, उसके सिवा और किसी का मैं ऋणी नहीं। उन गोपियों के साथ भगवान ने महारास किया, उसी में भगवान ने गोपी गीत गाया, गोपियों ने जब भगवान गोपियों के बीच से चले गए तो गोपियों ने गोपी गीत गाया, फिर भगवान प्रकट हुए गोपियों के मध्य और सारे गोपियों के साथ, जितनी गोपियां थी प्रत्येक गोपी के साथ भगवान सिंगल खड़े, ऐसा नहीं हुआ आपस में मार करेंगे कि नहीं तुम हमारे साथ, नहीं तुम हमारे साथ, नहीं तुम हमारे साथ, जितनी गोपियां थी उतना भगवान का स्वरूप, उतना स्वरूप भगवान, उतने स्वरूप में भगवान वहां उपस्थित होकर के और गोपियों के साथ महारास। उसके बाद सुदर्शन और शंखशुण का भी भगवान ने उद्धार किया, भगवान ने अरिष्टासुर का उद्धार किया और अक्रूर जी ब्रज गए। अक्रूर जी ब्रज की यात्रा किए, कृष्ण को लाने के लिए गए, लेकिन कंस की प्रेरणा से गए। कंस की जो राजनीति थी वो राजनीति नहीं रह गई, वो कूटनीति में बदल गई, क्योंकि भगवान गोकुल में आए और गोकुल में सारे राक्षस आए, जितने भी राक्षस गोकुल में आए भगवान ने किसी को छोड़ा नहीं, तो सारे हथियार कंस के खत्म हो चुके थे। जब हथियार खत्म हो जाए तो आदमी तो राजनीति छोड़ देगा कि भाई अब सामने सामने तो युद्ध किया नहीं जा सकता, अब कूटनीति का प्रयोग किया जाए, अब छल से मारा जाए कृष्ण को। और छल से मारने के लिए अक्रूर जी को उन्होंने ब्रज भेजा और अक्रूर जी ब्रज में गए रथ पर सवार होकर के। अक्रूर जी शाम को पहुंचे गोकुल, शाम को पहुंचे, उस समय हमारे कन्हैया मधुर मधुर बंसी बजाते हुए गायों के आगे आगे, गायें पीछे पीछे, आसमान में धूल उड़ती हुई, ऐसे दृश्य को देखते हुए भगवान के चरणों के चिन्हों का दर्शन करते हुए
अक्रूर जी गोकुल पहुंचे, और जब अक्रूर जी गोकुल पहुंचे तो भगवान कृष्ण और बलराम उनका स्वागत किए, और कृष्ण बलराम को भगवान अंदर बैठाए, और उसके बाद उनका स्वागत हुआ। नंद बाबा से, यशोदा मैया से वार्तालाप हुआ। उसके बाद अक्रूर जी ने अपनी बात को रखा कि महाराज कंस ने मथुरा में एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया, और उनकी इच्छा है कि कृष्ण बलराम उस मेले में आए देखने के लिए, इसलिए कंस ने हमें भेजा है कृष्ण और बलराम को लाने के। कृष्ण बलराम को ले जाने की बात जब यशोदा मैया की कानों में गई, यशोदा मैया एक क्षण के लिए भी कृष्ण के विरह को बर्दाश्त नहीं कर, एक क्षण का भी विरह उन्होंने बर्दाश्त नहीं, बोला कृष्ण को हम एक क्षण बगैर देखे नहीं रह सकते, एक क्षण बगैर देखे नहीं रह सकते। और आप कृष्ण को ले जाने की बात कर, आप तो हमारे शरीर से इस प्राण को निकाल के ले जाइए, लेकिन कृष्ण और बलराम को हमसे अलग मत करें, हमसे अलग मत करें। बहुत प्रयास किए अक्रूर जी, बहुत समझाने का प्रयास किए यशोदा को, लेकिन यशोदा मानने के लिए तैयार नहीं कि कृष्ण उसको छोड़ के चले जाए। बहुत सुलह समझौता हुआ, सुबह तक समझौता चलता रहा। अक्रूर जी ने कहा केवल कृष्ण बलराम ही नहीं जा रहे हैं, ग्वाल बाल भी जा रहे हैं, नंद बाबा भी जाएंगे और साथ में जाएंगे, और आज गए कल वापस आ जाएंगे। बहुत अपने सीने पर पत्थर रख के यशोदा मैया ने कहा कि ठीक है आप कृष्ण बलराम को ले जाए, लेकिन कल से परसों नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे करके कानों कानों ये बात गोपियों के कानों तक पहुंच गई, गोपियों के कानों तक पहुंच गई। जब गोपियों के कानों में ये बात गई कि कन्हैया गोकुल छोड़कर मथुरा जा रहे हैं, तो गोपियां तो पागल हो गई, बोली एक दिन भी व्यतीत नहीं होगा कृष्ण के बगैर गोकुल में, एक भी दिन हम यहां नहीं रह सकते। सुबह उनकी विदाई होने वाली थी, और गोपियां तो वहां जा नहीं सकती, भाई बहन बेटियां बार बार किसी के घर थोड़ी जाएंगी, अरे एक बार गई कोई बहाना लेके ठीक है, दो बार गई बहाना लेके, तीन बार, अब दिन भर घर में ही जाती रहेंगी तो ऐसा भी तो ठीक नहीं है। एक बार गई दर्शन करने के लिए और दर्शन करके वापस चली आई, उसके बाद फिर तो उनको जाने का मौका नहीं मिला। फिर तो गोपियां बोली वहां से विदाई होने दो, हम लोग मिलेंगे आगे चल के। और गोपियां रास्ते में जाके जिस मार्ग से कृष्ण का रथ जाना था उसी मार्ग पे जाके बैठ गए कि आओ फिर हम तुमको बताते हैं। जब कन्हैया की विदाई हुई ब्रज से, तो सारे ग्वाल बाल यशोदा सब लोगों की आंखों में आंसू। वो कृष्ण प्रेम था जो एक दिन का भी विरह ब्रजवासी सहन नहीं कर पा रहे। सब आंखों में आंसू लिए, हाथ जोड़ के कृष्ण बलराम के सामने खड़े हैं, और उस बीच में कृष्ण तो कृष्ण ही है, उसकी तो कोई बात ही नहीं। सबके बीच से कृष्ण सबकी अनुमति लेते हुए निकले और रथ पर सवार हो गए, और कृष्ण बलराम की विदाई कर दिए। तो जो गोकुलवासी आंखों में आंसू लेके जब ब्रजवासी वहां से रथ निकला आगे, सारे ब्रजवासी देखते रह गए। और जब आगे कृष्ण जब आगे बढ़े, रथ आगे बढ़ा, क्रूर जी जब आगे बढ़ाए रथ को, तो कुछ ही दूर जाने के बाद रास्ते में गोपियां, कुछ लोग लेटी हुई हैं, कुछ लोग बैठी हुई हैं, कुछ लोग खड़ी हुई हैं,
कृष्ण का रथ जाके उन गोपियों के सामने खड़ा था। अक्रूर जी का जो रथ था, जिस रथ पे कृष्ण और बलराम बैठे थे, वो रथ जाके गोपियों के सामने खड़ा हुआ। और जब गोपियों के सामने खड़ा हो गया तो ना तो कृष्ण बोल रहे हैं ना तो गोपियां बोल रही हैं, ये भी नहीं बोल रहे कि तुम कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कोई प्रश्न नहीं, कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क प्रेम में नहीं होता, कोई क्वेश्चन मार्क। गोपियों ने पूछा भी नहीं कि तुम क्यों जा रहे हो, बस खड़ी रही। गोपियों के आंख से आंसू भर 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 बह रहा है। कृष्ण भी बेचारे कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसे हाथ करके बैठे हैं, बोले तो बोले क्या, क्या बोलेंगे कृष्ण? कृष्ण भी कुछ नहीं बोल रहे हैं और गोपियां भी कुछ नहीं बोल रही, दोनों एक दूसरे 5 मिनट तक एक दूसरे को देखते रहे लेकिन कुछ बोले नहीं। अरे प्रेम छुपाए ना छुपे, जा घट पर घट होए, और जापे मुख बोले नहीं, नैन देत है रोए। गोपियों के आंखों से केवल आंसू बह रहा था, उनकी आंखों से प्रकट हो रहा था कि गोपियां कृष्ण को कितना प्रेम करती, कितना प्रेम करती, कितना चाहती। इसीलिए तो जब प्रेम की बात आ जाती है तो आदमी सब कुछ भूल जाता है कि हमें क्या शिकायत करना था, या हम किस लिए यहाँ रास्ते पे खड़े थे, हम क्यों खड़े थे, हमें रोकना है या जाने देना क्या, सब गोपियां भूल गई कृष्ण को देख, कृष्ण को देखकर सब कुछ भूल गई। 5 मिनट के बाद कृष्ण रथ से उतरे और गोपियों से बोले, अरे तुम पागल हो गई, हम तुम्हें कभी छोड़कर जा सकते हैं? अरे मैं तो यूं गया, जा रहा हूं मामा क्या मेला देखने के लिए, हमारे साथ नंद बाबा भी, हमारे बाबा भी हैं, सारे हमारे मित्र आ रहे हैं, मंत्र मंडली के साथ जा रहे हैं, और आज गए बस कल ही वापस आ जाएंगे, तुम काहे चिंता कर रही हो, तुमको छोड़ के तो हम कभी नहीं जा सकते। प्रेम तो ऐसा ही होता है कि कितना बड़ा भी झूठ बोल दो सामने वाला मान लेता है, चलो भाई कोई बात नहीं, जो तुम कह रहे हो वो बात एकदम सही है। गोपियों को थोड़ा सा प्रेम मिला, पिघल गई गोपियां। नहीं तो शुरू में तो गोपियां कोई रथ का डंडा पकड़ के खड़ा है, कोई घोड़े का नाल पकड़ के खड़ा है, कोई उसका रस्सी पकड़ के खड़ा है, कोई रास्ते में लेटा है, ना किसी को जाने नहीं, पूरी तैयारी से गोपियां खड़ी थी, लेकिन जैसे ही सामने ठाकुर के वैसे ही सामने सब कुछ बदल गया। गोपियों के आंखों से आंसू बह रहा था, गोपियां वहां से रास्ता छोड़ दी और कृष्ण को जाने का जब वहां से आदेश मिला, कृष्ण का जब रथ वहां से आगे बढ़ा तो गोपियों के मन में केवल एक ही बात थी कि जब तक कृष्ण वापस नहीं आ जाते गोकुल में, ना तो हम खाएंगे, ना तो नहाएंगे, ना तो श्रृंगार करेंगे। यहां तो गोपियां नहीं, वहां की गायों ने जब देखा कि कृष्ण हमें छोड़ के जा रहे हैं तो जो गोप गायों ने चारा चरा था, जो मुख में लिया था, वो ऐसे ही मुख में पड़ा रह गया, उसको उन्होंने चबाया ही नहीं था, चबाया भी नहीं। गायों की आंखों से आंसू धारा प्रवाहित हो रही थी, पूरा गोकुल रो रहा था। कृष्ण का रथ टक 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 करके घोड़ों के टापू की आवाज जब आगे बढ़े, कृष्ण अपने रथ को लेकर, गोपियां देखती ही रह गई, देखती ही रह गई, देखती ही रह गई, और जब तक कृष्ण का झंडा दिखता रहा तब तक गोपियां देखती ही रही, देखती ही रही। जब गोपियों को जब झंडा दिखना बंद हो गया, जब अपना कोई प्रियतम जब हमें छोड़ के चला जाता है, जब हमसे दूर चला जाता है, तो क्यों उसकी बातें यादें रह जाती हैं, उसकी यादें रह जाती हैं, क्यों हमारे साथ कैसे बात करता था, कैसे बोलता था, कैसे उठता बैठता था, कैसे खाता था, कैसे खिलाता था, उसकी यही बातें उसको याद आती हैं क्यों, और उसका कुछ भी नहीं रह जाता, बस उसी की यादों में ही वो डूबी रहती है। तो वैसे ही गोपियां भी थी, कृष्ण को याद कर करके रो रही।
जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। क्योंकि जब कोई इतना प्यार करे, इतना प्यार करे कि उसके प्यार की कोई, उसके प्रेम की कोई लिमिट ना हो, तो वो जरूर एक बार चैलेंज कर देता है, जाओ जाओ हमारे जैसा कहीं पाओगे नहीं। वैसे ही गोपियों ने इतना कृष्ण को प्रेम दिया था, इतना कृष्ण को प्रेम दिया था, गोपियां कह रही हैं कि जा तो रहे हो लेकिन हम जैसे लोग और कहीं मिलेंगे नहीं। और वास्तव में गोपियों को छोड़ के जब कृष्ण गए तो वैसा कोई प्रेमी मिला नहीं, कोई नहीं मिला। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्यार कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन की साथी सावरिया, ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन की साथी सावरिया, कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही रे कान्हा, तेरी गा रही ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, ऐसा प्रेमी कन्हैया पाओगे। जा रहे हो तो जाओ,
बचे श्याम प्यारे कहो कितनी फोड़ी गगरिया पन घट पर चीर किसके बचे श्याम प्यारे कहो तेरे उधमों को जिसने हंस के सहारे श्याम हंस के सहारे ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे जा रहे हो तो जाओ मुझे छोड़ कर मुझे तोड़ कर ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे जा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे जा रहे हो तो जाओ छोड़कर सबका छोड़कर ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे प्रेम करके दीवाना जाते हो किसके सहारे कहो प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो किसके सहारे कहो नंद मुरली के जैसे हम दीवाने हुए रे श्याम दीवाने हुए ऐसे पागल कन्हैया नहीं पाओगे जा रहे हो तो जाओ मुझे छोड़कर सबका मुझे छोड़कर ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर प्रेम ब्रज सा नहीं पाओगे जा रहे हैं।